हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास भी कैनरा का बैंक अकाउंट है और उस कैनरा का जो बैंक अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है फ्रेंड्स, उस डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, आप किसी भी तरह का बिल पे कर रहे हैं या कोई शॉपिंग कर रहे हैं और आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड नंबर से आपको पेमेंट जो है बार बार फेल हो जा रहा है, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको वही चीज़ बताऊंगा कि आप उस स्टेप को कैसे फॉलो करोगे और उस स्टेप को फॉलो करके इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करोगे खुद से। इसके लिए आपको ब्रांच में जाने की नहीं बोलूंगा, बिना ब्रांच गए आप ऑनलाइन घर बैठे ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रोसेस की। इसके लिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने डिवाइस के अंदर कैनरा का जो ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसको ओपन करेंगे। एंड जैसे फ्रेंड्स इसको ओपन कर लेंगे तो अपना 5 डिजिट का जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा लॉगिन करने के लिए, उस पासवर्ड को एंटर कीजिएगा, ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो जाएंगे कैनरा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर। राइट, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन यानी सर्विसेज मिलेंगे। तो ये मिलेगा यहाँ पर एक ऑप्शन यानी एक सेक्शन मिलेगा डेबिट कार्ड के नाम से। ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो आपको जस्ट डेबिट कार्ड के लिमिट वाला ऑप्शन पे टाइप करना है। एंड यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। बट नीचे फ्रेंड्स मिलेगा डेबिट कार्ड का आइकन, इस पर टाइप करेंगे। इस पर जैसे ही टाइप करेंगे आपका डेबिट कार्ड शो हो जाएगा। अब बात करेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पा रहे, फेल्ड हो जा रहा, तो आप सिंपल से फ्रेंड्स सेकेंड ऑप्शन पर टाइप करेंगे। तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन ई कॉम सर्विसेज। जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है और जब तक इसको आप इनेबल नहीं करेंगे यानी ऑन नहीं करेंगे तब तक आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो अपना एम पिन को यहाँ पर इंटर कीजिएगा, एम पिन इंटर कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ आपको पॉपअप मैसेज भी दिखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एक्टिवेट आपने कर लिया तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा, अभी और कुछ आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन लिमिट वाले ऑप्शन में, यहाँ आपका 0 दिखाएगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया था इसलिए यहाँ पे 50,000 शो रहा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिमिट को सेट कर लीजिएगा, आप ऑनलाइन कितना लिमिट तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये सेटिंग करके आपको ये मॉडिफाई का जो ऑप्शन मिल रहा है आप मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपका जो ट्रांजेक्शन है आप उतना लिमिट तक आप किसी प्लेटफॉर्म पर यदि कर पाओगे कैनरा के डेबिट कार्ड से कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा।